देखिए यहाँ से आपको सारा चीज क्लियर हो जाना है। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रखिएगा, पर एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर होगा तो प्लस में रखिए या माइनस में रखिए, हमेशा वास्तविक ही आना है। तो अतः इसका जो प्रांत होगा ना, प्रांत, प्रांत हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। अब उसी तरह वाई बराबर एफ एक्स मान लेंगे, है ना, यानी हो जाएगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस का वन इधर आके प्लस का वन हो जाएगा, चलिए ये स्क्वायर जाके इधर रूट लग जाएगा, यानी कि रूट अंडर वाई प्लस वन बराबर एक्स होगा, है ना। यहाँ एक्स एक्स के वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए, मान के लिए क्या करना होगा, तो ये अंदर रूट में है ना, तो रूट के अंदर जीरो या जीरो से बड़ा आना चाहिए, याद है आपको वर्गमूल फलन में। तो यहाँ आपको लिखना होगा वाई प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, आपको याद होना चाहिए, ऐसा बताया है ना वर्गमूल फलन में, उसके लिए कंडीशन बताए थे ये, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, यही चीज आपको ध्यान रखना होगा, आपको सारे फंक्शन से याद रखना होगा। यानी वाई का मान क्या होना चाहिए, ये आके इधर माइनस वन हो जाएगा, यानी माइनस वन और माइनस वन होगा और माइनस वन से बड़ा भी होगा, यानी कि यहाँ आपका परिसर जो होगा ना माइनस वन भी होगा और माइनस वन से बड़ा भी होगा, इन्फिनिटी तक होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ से ऐसे आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर चार इसका